हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीटा एकेडमी। आई होप आप लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में एक टॉपिक डील किया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, और उसको एग्जांपल्स के माध्यम से हमने समझ लिया था काफ़ी अच्छे से। इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 है जो आज हम शुरू करते हैं, और आज ये ख़त्म भी हो जाएगी क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और सब में आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज होगा, और रात फिर हम थोड़ा सा परम्यूटेशन क्या होता है ये भी सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5, एज्यूमिंग डेट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड एंड सेकेंड इज रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो देखिए, जो भी हमारे डिजिट हैं यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 3, 4 and 5, ये हमारी क्या है डिजिट्स हैं, इनका यूज करते हमें थ्री डिजिट नंबर हमें बनाना है। तो थ्री डिजिट बनाना है तो मैंने कहा था आपको थ्री वैकेंट बॉक्सेस बना लेना है। थ्री वैकेंट बॉक्स हमने बना लिए 1, 2, 3। अगर हम पहला जो इसका ऑप्शन है वो सॉल्व करें तो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड है, तो जो फर्स्ट बॉक्स में आप भर सकते हैं, जो आप अपने फिल कर सकते हैं फर्स्ट बॉक्स को, कितने वेज में कर सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई से भी आपकी डिजिट यहाँ पर हम भर सकते हैं, मीन्स 5 आपके पास क्या है वे हैं, तो 5 वे हो गए। इंटू करते हैं अपने प्रिंसिपल हमने पढ़ाया फंडामेंटल काउंटिंग का, इंटू अगर रिपीटेशन अलाउड है तो जो आप यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 भरा है, आपने फर्स्ट बॉक्स में 1 फिल किया है, तो आप सेकंड बॉक्स में भी 1 फिल कर सकते हैं और थर्ड बॉक्स में भी 1 फिल कर सकते हैं। मींस रिपीटेशन है तो मींस आप 1, 1, 1 भी आपका एक क्या होगा थ्री डिजिट नंबर होगा व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। ओके, समझ गए आप। तो मीन्स 1, 1, 1 भी बन रहा है और कोई सा भी आपका रिपीटेशन हो सकता है, तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के भी 5 मेथड हैं वे हैं, और सेकंड बॉक्स को फिल करने के भी 5 मेथड हैं, और थर्ड बॉक्स को फिल करने के कितने मेथड हैं इसको भी 5 मेथड्स हैं, 5 वेज में हम इसको फिल कर सकते हैं। मीन्स हम थ्री डिजिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का यूज करते हुए व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड होगा तो कितने नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं, 5 × 5 × 5 मीन्स 125 नंबर। तो आप समझ गए, तो कितने हम थ्री डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं, 5, 125 हम डिजिट फॉर्म कर सकते हैं जब हमारा क्या होगा रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड होगा। अगर इसका हम सेकेंड ऑप्शन करें रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, तो हम फिर से थ्री वैकेंट बॉक्सेस बनाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के तो अभी यहाँ पे हमारे कितने वे 5 हैं, क्योंकि 5 में से हमारा कोई सा भी हम यहाँ पे नंबर का डिजिट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 भरा तो अब यहाँ पे 1 नहीं आ सकता है। मीन्स मान लीजिए आपने पहले में 1 भरा तो अब आपके पास कितने आपके पास डिजिट बची हैं, 4 डिजिट बची हैं, तो सेकेंड वाले बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास कितने वे होंगे 4 वे। इंटू मान लीजिए आपने सेकेंड बॉक्स में 2 भर दिया है, 2 फिल कर दिया है, तो आपके पास आप कितने डिजिट वैकेंट है, आपके पास कितने डिजिट बचे हैं 3, 4, 5, मीन्स थर्ड वाले बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास 3 वे हैं, तो 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60। तो 60 आप ऐसी डिजिट फॉर्म कर सकते हैं जिसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट क्या होगा अलाउ नहीं होगा। तो आप समझ गए कैसे किया हमने, देखिए थ्री डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना था तो हमने थ्री वैकेंट बॉक्सेस बनाए, उसके बाद हमने देखा कि कौन सी डिजिट का यूज करना है हमें, तो 1, 2, 3, 4, 5 हमने यहाँ पर लिख दी। तो फर्स्ट हमने लिखा कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड के लिए क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड है मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वे हैं, हम 5 की 5 डिजिट तीनों वे में हम 5 की 5 डिजिट हम तीनों वे में इसको भर सकते हैं, तीनों जो हमारे क्या हैं वैकेंट बॉक्स हैं उसमें हम भर सकते हैं। तो इसका कितना आंसर आ गया 125 वे में हम अपने थ्री डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड होगा। सेकंड ऑप्शन देगा, सेकंड हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, मींस फर्स्ट बॉक्स को तो भरने के फिल करने के आपके पास कितने हैं 5 वे होंगे, सेकेंड बॉक्स को भरने के 4 और थर्ड बॉक्स को फिल करने के लिए 3 वे, तो 5, 4, 20 × 3 = 60 वे में 60 मतलब आपकी क्या बन जाएंगी फॉर्म हो जाएंगी थ्री डिजिट नंबर व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो समझ गए आपको कैसे करना है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर, थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेड लिखा हुआ है। तो हमारे पास डिजिट कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमें थ्री डिजिट इवन नंबर बनाना है, तो थ्री डिजिट के लिए मीन्स हमारे पास थ्री वैकेंट बॉक्सेस हैं। ये आपका यूनिट प्लेस होता है, ये आपका टेंथ प्लेस है, आपका हंड्रेड प्लेस है। हम इनको बॉक्सेस के फॉर्म में हम यहाँ पर ऐसे हमने शो कर दिया है। तो देखिए अब हमें इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर की आपकी क्या खासियत होती है, इवन नंबर की ये खासियत होती है कि उसके यूनिट प्लेस में क्या होगा, आपका कोई भी इवन जो इवन डिजिट होगी वो होगी। इवन डिजिट क्या होती है, 2, 4, 6 क्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 0। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में इनमें से कोई भी एक डिजिट होगी तो वो कैसे नंबर होते हैं हमारे, इवन नंबर होते हैं। मींस जैसे 24 है तो ये क्या है आपका 4 इसमें से याले वाले डिजिट में से है, तो 24 यहाँ पे यूनिट प्लेस 4 क्या है यूनिट प्लेस में, तो 24 हमारा इवन नंबर हो जाएगा। तो इवन ऑड तो आप लोग जानते ही होंगे, 11th में आ चुके हैं। तो इवन नंबर से हमें यहाँ पे बहुत एक अच्छी सी हमें जानकारी मिल रही है कि जो हमारा ये थर्ड बॉक्स है या को फर्स्ट बॉक्स जो भी मान लीजिए आप, जो भी थर्ड बॉक्स है उसको आपको फिल करने के आपके पास कितने चांस हैं, कितने वे हैं। एक 2 आ सकता है आपका, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। यही क्यों आ सकता है, क्योंकि मैंने कहा इवन नंबर तभी बनेगा जब इन डिजिट्स में से कोई यूनिट प्लेस पे होगा, और ये यूनिट प्लेस वाला बॉक्स है हमारा। तो 2, 4 एंड 6 क्या है हमारे पास यूनिट, क्या है हमारे पास डिजिट है जो इवन नंबर को फॉर्म करेंगे। मीन जो हमारा याला बॉक्स हो गया, थर्ड बॉक्स हो गया, उसको फिल करने के हमारे पास कितने वे हैं, 3 वे हैं। या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 होगा। ये क्या है, वेज है, 3 वेज। आप ये मत समझना हमने 3 लिखा है याला, नहीं, 3 वेज से हम याले बॉक्स को कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम सेकंड बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो इसको इंटू कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंटू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए, हमने यहाँ लिखा है कि इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेड मीन्स यहाँ पे अगर हमने 2 यूज कर लिया है तो यहाँ पे भी 2 यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 वे में भर सकते हैं, तो यहाँ पे भरने के सेकंड बॉक्स को फिल करने के कितने आपके पास वे हैं, जितने हमारे पास नंबर है, तो ये 6 हो गया। और याले को भी हमारे पास फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने वे हैं, 6 वे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होने का हमें लिखा है कि कैन बी रिपीटेड, रिपीट हो सकते हैं। तो 6 6 जा 36 इंटू 3 करेंगे, 6 3 जा 18, 3 3 जा 108 वे में आप ये थ्री डिजिट इवन नंबर फॉर्म कर सकते हैं। कौन से डिजिट्स को यूज करते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट को यूज करते हुए, कब, जब आपके डिजिट्स क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। समझ गए आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब यहाँ पे क्या है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड और नॉन रिपीटेड से आपके आंसर में क्या होगा, अंतर आएगा, आप ये ध्यान रख लीजिए। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और अच्छे से अपना आंसर करिए। तो फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं आपका, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो ये हमारे क्या है, 10 अल्फाबेट हैं इंग्लिश के, 10 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, क्योंकि हमसे लिखा गया फर्स्ट 10 लेटर्स, तो फर्स्ट 10 लेटर्स ए टू जे हो गए। हमें 4 लेटर कोड बनाना है, तो हमारे पास 4 वैकेंट बॉक्सेस हमने यहाँ पर रख लिए। चलिए, तो कितने हम 4 लेटर कोड बना सकते हैं हमें बताना है, जब हमारा लेटर क्या हो, कांट बी रिपीटेड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड मीन्स कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बताइए, याले जो फर्स्ट बॉक्स है उसको फिल करने के कितने वे हैं, तो आप कहेंगे मैं ए भी भर सकता हूँ, बी भी भर सकता हूँ, सी भी भर सकता हूँ, डी भी भर सकता हूँ, ई भी और जे तक मैं कुछ भी भर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो आप ठीक कह रहे हो, तो यहाँ 10 वेज आ गए। फिर मैंने कहा यहाँ कितने भर सकते हो, आपने कहा यहाँ 10 भर दूँ। मैंने कहा 10 नहीं भर सकते हो, क्योंकि एक तो आप यहाँ पे भर चुके हो, कोई सा भी यहाँ भर चुके हो, तो अब हमने क्वेश्चन में लिखा है कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, अगर हमने ए भर दिया तो यहाँ ए नहीं भर सकते हैं। मीन्स अगर आपका ए एलिमिनेट हो गया फर्स्ट बॉक्स में भर के, तो आपके पास कितने लेटर्स बचे, 9 लेटर्स। तो आप यहाँ पे 9 वे में इसको भर सकते हैं, इसके बाद हमारा 8 आ जाएगा, और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 90 8 7 56। ओके, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5140 नहीं 5040 आएगा।
यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 5040, 19 to 50 की 5040। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास अब, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर्स, अब हमें टेलीफोन नंबर बनाना है 5-digit का, कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 6-7 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस मीन्स हमारा रिपीटेशन क्या है, नो रिपीटेशन इज अलाउड, क्योंकि एक जो हमारा डिजिट है एक बार से अधिक बार अपीयर नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। एक बार अगर आपने डिजिट यूज कर लिया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते, मीन्स रिपीटेशन क्या आपका ऑफ है, ऑफ मीन्स रिपीटेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा डिजिट्स का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या, 5-digit टेलीफोन नंबर बनाना है, मीन्स हम 5 क्या बना देंगे, वैकेंट बॉक्सेस बना देते हैं 5। 0 to 9 तक हमारे पास क्या है, डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, तो और हमें एक और यहाँ पे कंडीशन दी कि नंबर किससे स्टार्ट होने चाहिए, 6-7 से, मीन्स याला तो हमारा ये क्या हो गया, हमारे फिक्स हो गए, इसको हम अब इसको हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि जो भी हमारा नंबर स्टार्ट होगा वो क्या किससे होगा, 6 और 7 डिजिट से होगा, तो यहाँ पे हम अपना कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए ये जो थर्ड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स को भरने के आपके पास फिल करने के कितने चांस है, तो देखिए 0 to 9 तक कितने डिजिट आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसको 10 वेज में आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमने 10 वे में भर दिया, तो बताइए हमने 10 वे ठीक लिखा है गलत लिखा है, बताइए, 10 हमने गलत लिख दिया क्योंकि हमने पढ़ा नहीं कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, तो अगर हमारे यहाँ पे 6 और 7 आ गया है तो यहाँ पे 6 और 7 नहीं आ सकता है, तो अगर 6 और 7 को हम एलिमिनेट करें, 6 और 7 को हम क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो हमारे पास कितने हमारे डिजिट्स हमारे पास बचे हैं, तो हमारे पास बचे हैं 8 डिजिट, मीन्स जो थर्ड बॉक्स को हम फिल करेंगे वो 8 वे में करेंगे, और फिर इसके बाद तो ईजी है हमारे पास, इसको 7 से और थर्ड बॉक्स को हम 6 वे में क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, तो 8 × 7, 7 × 42, तो ये आ गया आपके पास 336। ओके, 336 वे में आप अपना टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो किससे शुरू होगा, कौन से डिजिट से शुरू होगा, 6 से 7 डिजिट से शुरू होगा, और जिसमें आपके रिपीट क्या होंगे, जिसमें आपके डिजिट क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा प्रोबेबिलिटी से भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो आपको पता है जब हम कॉइन को टॉस करते हैं सो देयर आर 2 possible outcomes, क्या है आपके पास, 2 outcome होंगे हमेशा, 2 possible outcome होंगे, या तो आपका हेड आएगा या आपका क्या आएगा, टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 possible outcome है, आपको पता नहीं कौन सा आएगा, तो अगर हम 3 times किसी भी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो 3 times हमने किसी भी टॉस को कॉइन को टॉस किया, तो फर्स्ट बारी में भी हमारे पास क्या आ सकते हैं, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, सेकंड बारी में भी और थर्ड बारी में, तो कितने वे में हम, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, 8 outcomes आर देयर, तो ये तो काफ़ी सिंपल था, क्योंकि आपको पता है जब आप एक बार आपको कॉइन को टॉस करेंगे तब भी हेड या टेल आ सकता है, जब आप सेकेंड टाइम करेंगे देयर अगेन द सेम 2 outcomes, ओके, हेड एंड टेल, एंड सिमिलरली फॉर थर्ड टॉस द सेम आउटकम अपीयर, ओके, तो हमारा जो हेड एंड टेल है वो हमारा आउटकम किसी भी टॉस में सेम रहेगा, हेड या टेल आपका फर्स्ट टॉस में भी आ सकता है, सेकंड टॉस में भी और थर्ड टॉस में भी, तो 2 × 2 = 8, 2 × 2 × 2 = 8। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए 7.1 ही ख़त्म कर लेते हैं, फिर परमिटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, गिवन 5 flags ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंस कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 flags, 1 below था, ये तो मैंने कल आपको एग्जांपल में भी करा दिया था, तो बताइए कितने होंगे। अगर आप देखें क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 2 flags हैं,
वन बिलो टू अदर है तो हमने ऐसे कर लिया। फाइव फ्लैग्स हैं तो फर्स्ट वाले को फाइव से फाइव वे में आप फिल कर सकते हैं। फाइव फ्लैग में से आपको कोई सा भी फ्लैग यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में आप कोई सा भी कलर का कोई सा भी सिग्नल क्या लिया, फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो जो आपका फर्स्ट प्लेस है वहाँ पर कोई भी कलर का सिग्नल का यूज कर सकते हैं। तो फाइव वे में हम इसको फिल कर सकते हैं और सेकेंड को हम फोर वे में, क्योंकि हमारा क्या है फाइव डिफरेंट कलर्स है, फाइव डिफरेंट कलर्स है, तो आपका क्या हो जाएगा फाइव इंटू फोर कितना हो जाएगा ट्वेंटी। तो ये आपका 7.1 क्या हो गया, एंड हो गया। ऐसी क्वेश्चन थे आपका। अभी आप देखेंगे परम्यूटेशन हम पढ़ेंगे तो आप कहेंगे 7.1 को हम परम्यूटेशन वाले चैप्टर जो हम परम्यूटेशन का जो हम बेसिक्स पढ़ेंगे और जो फॉर्मूले पढ़ेंगे उससे भी सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, ये वाले डील हो जाएंगे। तो कल हम परम्यूटेशन शुरू करते हैं और आज 7.1 हमने कर ली है, कल हमने इसका बेसिक देख लिया था। तो दोनों पहली वाली बेसिक वाली वीडियो देखिएगा तभी आपको ये वाली वीडियो आपको समझ आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। चलिए अपने ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच।